आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे एज पर ट्रेंड एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और किसी स्पेसिफिक स्टॉक पे लेवल एनालिसिस करेंगे। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर है, जो भी स्टडी एनालिसिस है ओनली एजुकेशनल लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। ट्रेड करने से पहले जो स्टडी एनालिसिस कर ले, क्योंकि दिए हुए लेवल पर अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी ट्रेड करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेकर के ट्रेड करे। तो चलते हैं स्क्रीन पे, निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है उसके बेसिस पे जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में क्या ट्रेंड निकल के आया है और किधर रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो सबसे पहले निफ्टी में आप देख रहे हैं लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है और लगभग जो माइनस में बंद हुआ है, तो ज्यादा खुशी होने की जरूरत नहीं है। बाजार में ये जो गिरावट है एक प्रॉफिट बुकिंग है और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 11,300 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 11,300 पे और नियर बाई जो सपोर्ट है 11,490 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर वर्स्ट के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो 11,486 और 60 ये एक मेजर सपोर्ट होगा। अगर वहां पे आता है और फिर से बाउंस करता है तो एक फिर से एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। एज फॉर वोलाटिलिटी जानने की कोशिश करेंगे कि ये हमने ये थोड़ा सा डिजाइनिंग चेंज किया है, आपको दिख भी रहा है। ये जो रेड कलर का टारगेट थर्ड, टारगेट फोर और टारगेट फाइव, ये मेजर रेजिस्टेंस है। मीन्स की 11,467, 11,567, 11,580, 11,586 ये मेजर रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करते ही अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा, यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस फेस करेगा, लेकिन अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर गया तो 11,641 तक के टारगेट हो सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। और नीचे जो सपोर्ट है 11,500, ये लेवल ब्रेक करेगा तो नीचे जो सपोर्ट निकल के आया है 11,455, ये कैश के लेवल है 11,455। अगर यहाँ तक आता है तो ये एक तरीके से अप ट्रेंड का करेक्शन है और फिर से तेजी आ जाएगी। लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो ही हम अच्छा खासा एक गिरावट का सिग्नल दे देंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि निफ्टी का जो मेजर जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल था 11,300, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ये जो बैरियर है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज फॉर इंट्राडे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का। अब हम चल के देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या टारगेट निकल के आया है और कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले सकता है। तो उसके लिए 29,832, उसी तरीके से ऊपर जो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 30,063 और नीचे 29,600 मेजर सपोर्ट होगा। 29,600 पे आता है और दोबारा से ये 800 के ऊपर निकलेगा तो चांसेस होगा 30,000 के टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाएगा तो ये 30,250 तक के जा सकते हैं। अब होगा क्या, एज फॉर लेवल को फॉलो करना है और उस लेवल के बेसिस पे ही ट्रेड करना। मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा ये लेवल ही डिसाइड करेगा इंट्राडे। और वीकली एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, वीकली एनालिसिस का जो मैंने वीडियो बनाया है उसको जरूर फॉलो करें। अब हम चलते हैं स्टॉक स्पेसिफिक में, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में। इंडिया बुल इसका भी ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है 752 कैश में और नीचे सपोर्ट है 713 का, तो ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस को प्ले कर सकते हैं। और वीकली ब्रेकआउट लेवल जो था 713 के ऊपर सस्टेन किया है तो ऊपर के जो टारगेट है ऑलमोस्ट हम इंट्राडे जो कल हाई बनाया था 41 का, ये वीकली रेजिस्टेंस लेवल है, वीकली रेजिस्टेंस लेवल है T3 and T4। और लगभग इसके ऊपर जैसे निकलेगा 744 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक मेजर रेजिस्टेंस फेस कर सकता है 756।
यहाँ पे ये येलो मार्क किया हुआ है, मीन्स कि यहाँ पे अगर ये लेवल कटते ही एक क्लियर ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा जो एक्सटेंडेड टारगेट तक भी लेके जा सकता है। ये वीकली वीकली प्लेटफॉर्म है, वीकली प्लेटफॉर्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हमने रिसेंट अपडेट किया है और अपडेटेड वर्जन आपको वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगा। तो ये रहा स्टॉक पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। और अगेन एंगल पे आप मंथली जो सपोर्ट है 643 और ऊपर जो सपोर्ट था वीकली बेसिस पे 714 का, और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है और ऊपर सस्टेन कर रहा है तो 4750 के आसपास जो वीकली रेजिस्टेंस है 55 यहाँ, और ये इंट्राडे में भी दिख रहा है 52-53 एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलेगा तो ये अच्छा खासा ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा। तो एज फॉर वोलाटिलिटी ये हमने कोशिश किया है कि किस तरीके से हम स्टॉक का और निफ्टी और इंडेक्स का एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरे स्टॉक में हम ICICI बैंक पे देखेंगे। ICICI बैंक ने एक मेजर टारगेट अचीव किया है ऊपर का, और एज फॉर माई व्यू मैंने पहले भी बोला था कि जिनका निफ्टी में शॉर्ट है वो ICICI बैंक में प्रॉफिट पोजीशन बना करके ट्रेड कर सकते हैं, उनको हेजिंग के हेज कर सकते हैं अपने पोजीशन को। तो इसी तरीके से अगर पेयर ट्रेडिंग जैसे होता है तो आजकल पता ही है कि पेयर ट्रेडिंग काम उतना परफेक्टली नहीं करता है, लेकिन अगर कोई आपको स्टॉक वीक दिख रहा है किसी दूसरे सेक्टर में, कोई दूसरा स्टॉक तेजी दिख रहा है तो उसके थ्रू भी आप पेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं, मीन्स कि एक को बाई करें दूसरे को शॉर्ट कर दें। तो लगभग 400 के ऑलमोस्ट टारगेट इसने अचीव किए हुए हैं और 392 के आसपास की क्लोजिंग हुआ है। अब इसका जो वीकली ब्रेकआउट लेवल है वहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है 399 के आसपास का, ये रेजिस्टेंस ले रहा है और कल का जो हाई भी था लगभग कैश का यहीं पे था और यहाँ से लौट आया था। तो जब तक 390 के नीचे नहीं फिसलता है, और फिसलता है तो ये जो सपोर्ट होगा 382-385 ये मेजर सपोर्ट हो सकता है ICICI बैंक के लिए। और ऊपर अगर ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा वही सेम रेजिस्टेंस होगा 399 का, ये लेवल ब्रेक होते ही 402 तक की तैयारी कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी में तेजी आएगी तो ये स्टॉक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। नीचे जो सपोर्ट होगा 387 तक एक सपोर्ट होगा, अगर वो लेवल ब्रेक करेगा तो ही हम नीचे 382 तक की तैयारी कर सकते हैं जो ये वीकली सपोर्ट को होल्ड कर सकता है। तो एक तरीके से ये वीडियो मैं उन लोगों के पर्पस से बना रहा हूँ जो लोग ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं और जिनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है, एज फॉर ट्रेनिंग वीडियो ही समझे। तो ये एडिशनल जो फीचर्स हैं वो किस तरीके से फॉलो करना है इसको माइंड में रखते हुए ये हमने ये वीडियो को डेवलप कर रहे हैं। जो कोई जिन किसी को भी जो लोग जुड़े नहीं हैं और जुड़ना चाहते हैं तो ये कंप्लीट ट्रेनिंग के साथ ये सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, लेकिन ट्रेनिंग कॉस्ट जो है एक मिनिमम फी है, उस फी को आपको देना पड़ेगा। उसके बाद 2 से 4 घंटे की ये ट्रेनिंग होती है। और बस यहीं पे मैं वीडियो को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और कोई भी अदर स्टॉक पे एनालिसिस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं डेली कोशिश करूंगा 10:30 में लाइव आने का। जो लोग 10:30 में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और 10:30 में जरूर लाइव आकर के अपने सवालों का जवाब ले सकते हैं। और 32-45 मिनट का वीडियो सेशन होगा। तो आज जो लोग भी चाहते हैं कि होली में अगर फ्री है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर 50+ लाइक मिलेंगे और तो मैं कोशिश करूंगा आज भी लाइव आकर के आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।